तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पर, हाईवे पर, और सामने एक रेलवे गेट है, उसको क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम चलो कंटिन्यू करते हैं। दिखाते हैं तो डायरेक्ट दिखाते हैं, बात नहीं करते, डायरेक्ट दिखाते हैं हम लोग को। और फ्यूल के दिखा रहा है इधर पूरा लो, कभी भी ख़त्म हो सकता है फ्यूल। गाइस हम अब आ चुके हैं कालाइन पर, कालाइन क्रॉस कर चुके हैं हम, और हमारे साथ में है मेरा ब्रदर तुषार, और ये पीछे आप देख सकते हो कैसा ब्यूटी सीन है यहाँ पर। और थोड़ा सा ब्रेक लिया था हम यहाँ पर, और बालों का हालत पूरा ही ख़राब हो गया है हेलमेट के लिए, और चलते जाते थोड़ा सा ब्रेक लिया था हम यहाँ पर, और चलो कंटिन्यू करते हैं बाइक पर। और आगे हमारा बाइक रखा हुआ है, और थोड़ा एयर प्रेशर भी कम है टायर पर, और ये रहा नज़ारा, चारों ओर का नज़ारा। सामने ही हाईवे, वो हो रहा हमारा बाइक। चलो शुरू करते हैं, वो हो रहा बाइक हमारा। और यहाँ पर पंचर की दुकान भी है, और थोड़ा पाम दे देंगे टायर पर, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। और अप्रोक्स 21 to 24 किलोमीटर्स होंगे आगे मंडे, और आगे भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे टोल गेट के बाद। और हम जाएंगे वो वाला रूट पकड़ के, वो वाला रूट दिखाते जूम करके, ये वाला। सो गाइस आप लोगों को एक अपडेट देना था, और ये देखो कैसा सीन है, और वो पहाड़ के ऊपर एक घर है, वो रहा घर, और ये रहा
ब्यूटीफुल माउंटेन सीन सीन है भाई वो बीच रहा मालिडो हो रहा मालिडो बीच तो भाई लोग अब हम जा रहे हैं घर में और जो मेरा क्योंकि कैमरा है उसका चार्ज भी ख़त्म हो गया और इसलिए हम मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहे और मेरे जो भाई है तुषार भाई उन्होंने बहुत हेल्प किया है शॉट लेने के लिए जो मोबाइल से सब शॉट देखोगे ना आप ये सब उसका ही शॉट है इसने लिया मेरे फ़ोन से और अब हम जा रहे हैं घर में और जैसे हम जो टर्न थे ना वो टर्न से जैसे टर्न लिया डायरेक्ट नज़ारा ख़त्म और हो गया टी स्टेट और इस तरह ग्रीन पूरा ग्रीनरी है और वो टर्निंग लेने के बाद ही पूरा हिल्स आ जाते हैं डायरेक्ट से सीन चेंज हो जाते हैं वहाँ से और सन जो है वो भी बहुत ब्राइट है तो चलते हैं घर अब और हो सके तो थोड़ा बहुत शॉट लेंगे और नहीं हो सके तो डायरेक्ट घर में जब ब्लॉग को एंड कर देंगे तो कैसा लगा अच्छा राइट बहुत अच्छा तो हम चलते हैं घर बाय बाय।